नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक फ्लिपकार्ट से मंगाया गया एक प्रोडक्ट है, तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इस तरह की पैकेजिंग में आता है, और पैकेजिंग को निकालने के बाद जो है प्लास्टिक रैप में जो है आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। और इस प्लास्टिक रैप को मैंने हटा लिया है, आपको कोई थर्मोकोल वर्मोकोल या कुछ भी चीज़ आपको इसमें नहीं मिलती है, बस एक प्लास्टिक रैप किया हुआ रहता है इसमें। चूँकि वुडन प्रोडक्ट है इसलिए कोई इसमें डर भी नहीं है कि टूटने उटने का। तो इस प्रकार ये वॉल सेल्फ आपको एक तरह से मिल रहा है, वॉल हैंगर। इसमें आप जो है अपने कलम या जो भी है चाबी वाबी इसको भी आप टांग सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक सेल्फ मिल जाता है, ऊपर में एक ये सेल्फ मिल जाता है, और यहाँ एक बड़ा वाला सेल्फ आपको मिल जाता है, मैंने एक जगह पूरा स्पेस मिल जाती है आपको। तो ये देखिए, थोड़ा सा ये शायद ऊपर रहता तो मुझे विचार से ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ पर आपको एक छोटे से प्रोडक्ट रखेंगे तो यहाँ पर निकालने में बड़ा दिक्कत हो जा रहा है। तो ये यदि यहाँ रहता तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पर आप छोटी चीज़ें रख सकते थे, इसमें कोई बड़ी चीज़ें भी आप रख सकते थे। यहाँ पर दिया हुआ है वाल में जो है कांटी में या हुक में फंसाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, साथ ही इसमें कलम के लिए जो है जगह दिया हुआ है। देख सकते हैं आप प्लाई वाला MDF या प्लाई कहते हैं, वुडन तो लिखा हुआ है लेकिन वुडन नहीं, आप देख सकते हैं ये जो MDF बोर्ड है। और यहाँ पर प्लास्टिक का दिया हुआ है, लग रहा है कि जैसे जाली है पुरानी कुर्सी में, जैसे जाली रहती थी, लेकिन ये प्लास्टिक का है। यहाँ पर पूरे प्लास्टिक आपको दिया हुआ है, और साथ ही आपको 1 2 3 4 आपको हुक दिए गए हैं, चार में यहाँ फिर दो दो हैं, यानी टोटल 8 आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो एप्पल जैसा डिज़ाइन बना हुआ है कांटी से, तो देख सकते हैं आप इस तरह। ये पूरा असेंबल ही आया था, ऊपर वाला कभी कभी खुल जाता है तो इसको आप लगा सकते हैं। मेरा ये वाला खुला हुआ आया था तो इसको मैंने लगा दिया था, तो लगाने में थोड़ी दिक्कत हुई तो हल्का सा इसको घिसा, तब जाके ये आराम से टाइट होकर घुस गया। तो इस तरह का ये प्रोडक्ट है, इसी का एक छोटा प्रोडक्ट भी मैंने मंगाया है, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, देख सकते हैं। ये डार्क कलर में है, एक छोटा वाला जो मैंने मंगाया था वो लाइट कलर में मंगाया था। तो कंपनी की तरफ से तो इसमें 40 मीटर लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं हम लोग ये कितना बड़ा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 40, हाँ इसमें तो ठीक है एकदम 40 सेंटीमीटर है, यानी इंच में बता देता हूँ, लगभग 16 इंच का आपको जो है ये देख सकते हैं, ये 16 इंच का ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो काफ़ी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी आप बता देता हूँ, 7.5 इंच का है, और सेंटीमीटर में बता दूँ तो आपको लगभग 20 20.5 सेंटीमीटर का ये आपको प्रोडक्ट जो है आपको मिलता है। तो इसका लिंक मैं दे दूँगा यहाँ पर, 7CR जो लिखा हुआ है ब्रांड। ये ब्रांडिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ब्रांडिंग छोटी सी रहती या कहीं साइड में रहती तो ज़्यादा अच्छी लगती, ब्रांडिंग जो है इसकी खूबसूरती को जो है ख़राब कर देता है। तो इसको मैं दीवार में लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो दीवार में मैंने कांटी ठोक दी है, ये चाइना कांटी इसको कहते हैं, जो है आराम से ये घुस जाती है। तो चूंकि मेरे पास ड्रिल करने का अभी फिलहाल कोई साधन नहीं था, तो इसलिए मैंने ये कांटी लगाया। इसको मैंने पहले ड्रिल से लगाया था, ये इससे इसका कोई मतलब नहीं है, ये पहले से मेरा दीवार में किया हो गया था। तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ। तो इस तरह मैंने चाइना कांटी लगा दी है, आप इसको ड्रिल कर सकते हैं खूबसूरत दिखने के लिए। तो इस साइज से मैंने लगा ली थी छोटी सी। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमारा जो है ये प्रोडक्ट जो है ये टंगा गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं जो है अपने मास्क भी टांग सकता हूँ, ये मास्क जो है ये आप इसको यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। इसमें जो है एक चाबी भी मैं टांग सकता हूँ, और ये डेकोर आइटम जो है यहाँ पर इसको मैं रख देता हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ मेरे पास दो कलम हैं, उनको भी मैं यहाँ इस तरह टांग लेता हूँ। तो हमारा जो ये सेटअप जो है पूरा रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। और आपके पास और दूसरे सामान हैं, आप पर्स वर्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो एक छोटी सी डायरी या नोटबुक जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मान लीजिए ये किताब है, तो आप यहाँ पर भी इस तरह से
डायरी या नोटबुक भी जो है आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में हम फिर से नए किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।